सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका हमारे आत्मा एकेडमी चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों बाद स्वागत है, क्योंकि इधर हम वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि बस नहीं बना रहे थे। आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स से, सेट थ्योरी की स्टार्टिंग है ये। बिल्कुल, ये मेरा पहला वीडियो 11th मैथमेटिक्स का है। अभी तक फिजिक्स के वीडियो हमने बनाए हैं, जो कि कुछ अपलोडेड हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। इसके बारे में आपने 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देखिए सेट थ्योरी होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जिन मैथमेटिशियन ने सोचा वो जर्मनी के थे, जॉर्ज कैंटर साहब। उन्होंने कहा कि जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में, मान लिया आप ज्योमेट्री बॉक्स लेने गए, तो आप क्या कहेंगे, उसके पास जरा एक स्केल दे दीजिए, दे दिया एक रबर दे दीजिए, एक इरेजर दे दीजिए, रबर इरेजर एक ही चीज़ होती है, एक प्रोटेक्टर दे दीजिए, एक कंपास दे दीजिए, उससे बढ़िया उससे कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स दे दीजिए। तो ज्योमेट्री बॉक्स में वो आपको वो सब सामान दे देगा जो आप अलग अलग मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या आता है वो आपको भी मालूम है, और वो उस दुकानदार को भी मालूम है, और अगर आपने हमसे मंगाया तो हमको भी मालूम है। यानी कि कुछ चीज़ों के कलेक्शन करके उसका एक नाम दे दिया गया, उसका दे दिया गया ज्योमेट्री बॉक्स। अगर आप गए और आपने 30 सेट मांगा चाय का सेट, तो आप अलग से कप दे दीजिए, प्लेट दे दीजिए, केतली दे दीजिए, नहीं आप 30 सेट दे दीजिए। तो 30 सेट मांगोगे तो हम भी वही बात समझ रहे हैं, आप भी वही बात समझ रहे हैं, और वो दुकानदार वही बात समझ रहा है। तो कुछ चीज़ों का एक ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप का एक नाम दे दिया जाए, और वो भी ग्रुप कैसा हो, वेल डिफाइंड हो। यानी द सेट के लिए कहा गया कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी सेट की डेफिनेशन अगर दी गई कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरी राइटिंग गड़बड़ है, वो हम भी जानते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी कहा आप गए लेमन सेट मांगने गए, तो लेमन सेट में वो आपको एक जग देगा, वो आपको उसमें एक ग्लास देंगे बहुत सारे जिसमें शरबत वगैरह पीते हैं, तो वो दुकानदार जानता है। ठीक है, जैसे आपने कहा इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वॉवल्स होते हैं, तो आप जानते हैं ए ई आई ओ यू होता है, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमने कुछ नंबर डिसाइड किए हैं जो कि वेल डिफाइंड है, इसको हम फिलहाल एन से इंडिकेट करेंगे। हम कहेंगे इंटीजर, आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। हमने कहा होल नंबर, तो आप जानते हैं होल नंबर को W से इंडिकेट करते हैं, और 0, 1, 2, 3 ये होल नंबर्स होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब आप कहेंगे वो लोग नहीं जानते, अरे वो ठीक है, उन्होंने नहीं पढ़ा है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कहा इंटीजर, तो इंटीजर सब लोग जानते हैं कि इंटीजर को जेड से इंडिकेट करते हैं। आप कहेंगे साहब उसको तो आई से इंडिकेट करते हैं। देखिए वैसे तो उसकी स्पेलिंग के हिसाब से आई से इंडिकेट करेंगे, लेकिन चूंकि एक बुक है जहलन बुक है, जहां जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है, वहां से जेड लिया गया है। तो इंटीजर आपके ये 0, 1, 2 ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और -1, -2 ये निगेटिव इंटीजर होते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा रियल नंबर, इसको 8 से इंडिकेट करते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स के, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के जो एक ग्रुप होता है उसको हमने सेट कहा। ठीक है, तो पहली बात तो सेट क्या होता समझ में आ गया। जैसे इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि डेफिनेशंस भी याद होनी चाहिए, और सेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है मॉडर्न अल्जेब्रा। जब आप बड़े क्लास में जाओगे, अब आप कहेंगे हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, उससे भी बड़े क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा मॉडर्न अलजेब्रा। तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत और डिटेल स्टडी की जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। जैसे इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपको नेचुरल नंबर इंडिकेट करना है 1 से लेकर के 5 तक, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर लिख लीजिएगा, और इन नंबर्स को कॉमा लगा करके एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, और इसका एक नाम दे दीजिए ए।
तो ये होता सेट को लिखने का तरीका, जितने भी एलिमेंट हो उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और कॉमा लगा दीजिए। एक खास बात, इसमें अगर नंबर रिपीट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वन एक बार लिखो चाहे वन दो बार लिखो, बात वही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसमें इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी आपने लिखा 1 2 3 4 5 और हमने लिखा 5 4 1 2 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू सेम है, यानी किसी से कहो हाउ आर यू और किसी को आर यू हाउ, तो मॉडर्न अलजेब्रा कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई हैव चेंज द ऑर्डर, ठीक है, नहीं ऐसा कहिएगा नहीं, इंग्लिश गलत कर देगी उसको। तो ये सेट लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अब देखो, ये हैं इसके एलिमेंट्स, 2 इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट है, 4 इसका एलिमेंट है। तो हम लिखें कैसे, जैसे 2 इसका एलिमेंट है तो इंग्लिश में कहा जाएगा 2 बिलोंग्स टू ई, जैसे मान लीजिए ये मेरा पेन है तो हम कह सकते दिस इज माई पेन, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये भी कहा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 इसका एलिमेंट है तो हम इसमें साइन लगाएंगे, ये वाला बिलोंग्स, इसको कहते हैं बिलोंग्स, बिलोंग करना, 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और अगर 6 इसमें नहीं है तो हम लिखेंगे 6 बिलोंग करके क्रॉस लगा देंगे, तो कहेंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू ई, यानी कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, इसमें है तो आप कहेंगे दिस बिलोंग्स टू ए, और नहीं है तो कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ई। तो ये सेट को लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए, वैसे तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं जरा समझ लें आप। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑफ सेट, सबसे पहला मेथड होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर, या इसको दूसरा नाम कहते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। देखिए रोस्टर मेथड क्या होता है, रोस्टर मेथड में उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब लिखने पड़ेंगे, जैसे जैसे हमको लिखना है इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स, तो आप जानते हैं ए ई आई ओ यू होते हैं, तो आप इसको ए ई आई ओ यू लिख देंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसका एक नाम दे देंगे कैपिटल ई, कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे हम स्मॉल से लिखें तो लिखो भाई, जो तरीका मैं बता रहा हूं स्मॉल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम देना है। इसके बाद जैसे मान लिया आपको नेचुरल नंबर लिखना है लेस देन 5, तो आप लेस देन 5 बोला हमने, तो आपने कहा 1 2 3 4, लेस देन 5 लिख दिया, आपने इसको इंडिकेट कर दिया, बी मान लिया या एन मान लिया, जो भी आपको नाम देना हो। तो यानी कि रोस्टर मेथड में आपको जितने भी एलिमेंट उसमें हैं वो सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है, इसको टेबुलर मेथड कहते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, नेक्स्ट मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। इनके नाम थोड़ा सा भूत टाइप के हैं, भूतरे नाम है, इनको थोड़ा मेमोरी में डाल लीजिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, या इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं कहीं कहीं पर, प्रॉपर्टी मेथड। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है जरा समझिएगा, जैसे आप क्लास 11th में हैं, हमने कहा क्लास 11th के, अब अलग जी आई सी में पढ़ते हैं, आप केवी में पढ़ते हैं, जी आई सी ने कही केवी में पढ़ते हैं, हमने कहा क्लास 11th के केवी के सभी स्टूडेंट्स का सेट लिखिए। मैं आपकी क्लास की बात कर रहा हूँ जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे साहब वहाँ तो 25-30 लड़के हैं, 10-20 लड़कियाँ हैं, लड़कियों का नाम तो हमको याद है, लड़कों को तो याद नहीं है हमको, नहीं, या लड़कों को याद लड़कियों को नहीं याद है, या सबके नहीं याद है, कुछ के याद हैं, तब क्या करेंगे आप। तो देखिए आप ऐसा करिए, उन सभी लड़कों को बोरे में भर दीजिए, लड़के लड़कियों को एक बोरे में भर दीजिए, उसमें लिख दीजिए केवी क्लास 11th स्टूडेंट, ये पूरा बोरा क्या है 11th क्लास के स्टूडेंट। अब हमने कहा इसमें क्या है, आपने बोरे का मुंह खोला, एक स्टूडेंट निकाला, बोले साहब ये 11th क्लास के बच्चे हैं, मैथ जो मैथ लिए हैं, किनारे कर दिया। ये तरीका होता है, कैसे लिखेंगे जरा समझिएगा, आप कहेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ केवी। देखिए
स्टूडेंट आपने लिखा है, यानी कि इस वाले एक्स में सभी एलिमेंट भरे हुए हैं जो बोरे में आपने भरे हैं, और उसमें से एक बानगी के तौर पे आपने दिखा दिया कि 11th क्लास का स्टूडेंट है। जैसे मान लिया दूसरा एग्जांपल दे, इसका नाम दे दो, कुछ ए दे दो। जैसे हमको वर्ल्ड के सभी कंट्रीज का सेट चाहिए, अगर आपसे कहा जाए 20 कंट्री के नाम बताओ तो बहुत ऐसे लोग होंगे याद नहीं होंगे, और जो 150-200 कंट्री हैं उनके नाम तो याद करना संभव नहीं है, इसलिए याद है हमको तो हम सब लिखेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, उन सभी कंट्रीज को एक बोरे में भरेंगे, ये एक्स हो गया, एक्स सच दैट इस बोरे में सभी कंट्री भरे, उसमें से एक कंट्री हमने निकाला, हमने कहा ये चीन है, तो एक्स इज अ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी कि कुल मिलाकर के इस वाले एक्स में सभी कंट्रीज भरे हुए हैं, ये वाला आपने बानगी के तौर पे एक को दिखाया है कि ये एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है। जैसे आपको नेचुरल नंबर का सेट चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनते जाओ, बुढ़ापा तक काउंट करते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एक्स, इसका नाम है बी मान लिया, एक्स सच दैट, एक आपने निकालना इससे, तो आप लिखेंगे एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये तरीका होता है सेट को लिखने का। तो सेट का कंसेप्ट अभी इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही है कि भाई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है जिनको सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उसको सेट कहा गया। जैसे आप, हमने कहा केंद्रीय विद्यालय के क्लास 11th के स्टूडेंट वेल डिफाइंड है, आपके स्कूल में जो रजिस्टर में नाम लिखे वेल डिफाइंड है, सब जानते हैं इतने बच्चे हैं, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय के पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट वो भी वेल डिफाइंड है, वो आप गिन ना पाए अलग की बात है, तो वेल डिफाइंड है, तो उनको हमने सेट कहा। उसके दो तरीके हमने लिखने के बता दिए। अब आप एक्सरसाइज 1.1 खोलिए, किताब को सामने लिख लीजिएगा और हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला वर्ड आप पकड़िएगा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड वर्ड यूज किया गया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और आपसे कहा गया इसमें सेट कौन है, और जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, भाई जे से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ हैं, आप जानते हैं जनवरी है, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून है, जुलाई है, अगस्त नहीं है, सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, नवंबर नहीं है, दिसंबर नहीं है, तो यानी कि ये 3-4 महीने हैं, तो ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड है, आप लिखेंगे यस, क्यों, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है भाई, हमने कुछ लिखा, हमने कहा मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, हम उससे बढ़िया कोई टैलेंट हो नहीं सकता, आप कहेंगे आप तो गधे बिल्कुल, आप खुद कुछ आते ही नहीं है, तो बेकार सी चीज़ आपने लिखी, इससे बढ़िया तो हम लिख सकते हैं। तो मोस्ट टैलेंटेड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ये वेल डिफाइंड नहीं है, कभी तो आप 6 रन बना दिए, तीन बॉल में 3 छक्के मार दिए, कभी एक बॉल में आउट हो गए, तो बेस्ट जो बैट्समैन का जो सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कि आप कह नहीं सकते कभी एक कोई बेस्ट हो सकता है, कभी कोई हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। फोर्थ पार्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास, ये तो वेल डिफाइंड होगा ना, कि उसमें भी कंफ्यूजन है, बॉयज हो बॉयज है, अरे भाई वो वेल डिफाइंड होगा, सब जानते हैं बॉयज क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो 100 से छोटे नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद, अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखी हुई नॉवेल्स हैं, गोदान है, गबन है, बहुत सारी चीज़ें, वो वेल डिफाइंड है, सब जानते हैं, तो वो आपका सेट होगा। जहाँ पर आप यस लिखेंगे वहाँ जस्टिफाई कैसे करेंगे, एज इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ वेल डिफाइंड, बस इतना लिख दीजिएगा वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड को नहीं डिफाइन करना कि हमने वेल डिफाइंड क्यों लिखा, और जिसमें नो है तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड का मतलब जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा हो, वो आप भी समझें, उसको अच्छा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेवन्थ पार्ट कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर, सब जानते हैं 2, 4, 6 इवन इंटीजर है, माइनस भी हो सकता है,
माइनस टू माइनस फोर जो दो से डिवाइड हो जाएं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं वो वेल डिफाइंड है, आप जानते हैं इस बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो हम भी जानते हैं, वही आप भी जानते हैं, इसीलिए हम उन क्वेश्चंस को बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1 है, क्योंकि हम जानते हैं वो एक्सरसाइज आप भी जानते हैं, इसलिए वेल डिफाइंड हो गया। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड वेल डिफाइंड नहीं है। मेरा डॉगी जो है वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आप देख के भाग जाओगे, और लोग शेर पालते हैं, तो इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। तो पहले क्वेश्चंस के तो ये आंसर हो गए, अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसलिए जानबूझ के लिखा नहीं हमने क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट था। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में एक सेट दिया है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने जानबूझ के बुक नहीं सामने रखा है, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, वही आपको बता रहे हैं, और इसमें कुछ पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, और कह रहा है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स, यानी बिलोंग्स एक साइन दिया है और डज नॉट बिलोंग साइन दिया है, और इसमें एलिमेंट दिए हैं कि 5 ए को बिलोंग करता नहीं करता, 8 ए को बिलोंग करता नहीं करता, 0 ए को बिलोंग करता नहीं करता, 4 ए को बिलोंग करता नहीं करता, 2 ए को बिलोंग करता नहीं करता, 10 ए को बिलोंग करता नहीं करता। हमने भी बिलोंग्स वर्ड बताया है, बिलोंग का मतलब होता है उस सेट में वो एलिमेंट है, वो उसका रिश्तेदार है। देखिए 5 इसमें है, यानी 5 ए को बिलोंग करता है, तो साइन क्या लगेगा, 5 बिलोंग्स टू ए, पढ़ा क्या जाएगा, 5 ऐसा पढ़ेंगे आप, 5 बिलोंग्स टू ए ऐसा बोलेंगे, ठीक है। 8 इसमें नहीं है तो बिलोंग को डज नॉट बिलोंग, यहां पर डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, 8 के केस में क्या होगा, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अब वहां बिलोंग्स ना लिखेंगे, बिलोंग करोगे, ग्रामर आपने पढ़ी होगी, 0 इसको बिलोंग नहीं करता तो आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इसको बिलोंग करता है तो आप कहेंगे 4 बिलोंग्स टू ए, 2 इसको बिलोंग करता है तो 2 बिलोंग्स टू ए, 10 इसको बिलोंग नहीं करता है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, समझ में आई बात, तो ये नोट करिए, नोट करते रहिएगा, कुछ लोगों को शिकायत है कि आप नोट लिखने के बाद में ऐसे खड़े रहते हैं और कहते हैं नोट करिए और फिर रब कर देते हैं तो मैं हट जाता हूँ, पॉज करिए और इसको नोट करते जाइए, समझ करके करिएगा, नोट का मतलब ये चीटिंग नहीं होती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, ठीक है, बिलोंग का मतलब होता है कि इसका सदस्य है और डज नॉट बिलोंग इसका सदस्य नहीं है, इसका मेंबर नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कम क्वेश्चन है, होते ही कम है, ठीक है, इसके बाद डिटेल में आरडी शर्मा में डिस्कस किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, देखिए एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे पहला पार्ट आपका दिया है, ए सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस देन 7। अब देखिए माइनस ग्रेटर आर इक्वल टू है, यानी -3 से लेकर के 7 तक के इंटीजर लिखने हैं, ये कौन सा फॉर्म दिया है, अभी हम बता चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म, तो इसमें जितने एलिमेंट हो सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 नहीं लिखना है क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां नहीं लगा है। अगर नंबर कंफ्यूज करें तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, आप जानते हैं 0 यहां -3 होगा, यहां -2 होगा, यहां -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, अब इधर ग्रेटर होता है, इधर कम होता है, तो -3 से बड़े ये नंबर्स हैं और लेस वाले ये नंबर्स हैं, यहां से आप चुन सकते हैं, और -3 चूंकि इक्वल टू है तो -3 लेना है और 7 से लेस होना चाहिए, यानी 7 नंबर नहीं लेना है तो उसको हमने छोड़ दिया है। ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। अब छह से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, यह मेथड आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, प्रॉपर्टी मेथड लिखा है, ठीक है। इसको आपको सभी एलिमेंट लिखने हैं, तो आप कौन कौन से नंबर लिखेंगे, छह से छोटे ये होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, छह नहीं लेना है आपको, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये छह से छोटे नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट हो गया, जरा थर्ड पार्ट देखिए, सी इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, दो डिजिट का नंबर लिखना है जिनके डिजिट्स का सम एट है। जरा दो डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, टेन से स्टार्ट होता है, वहां से शुरू हो जाओ। वन अगर पहला डिजिट है तो इसके बाद क्या आएगा कि इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे एट आएगा, तो आप कहेंगे सेवनटीन हो सकता है, तो एक सेवनटीन हो सकता है। अब इसको बढ़ाते जाओ, इसको कम करते जाओ, दो अगर होगा तो यहां सिक्स हो सकता है, ट्वेंटी सिक्स, क्योंकि इन डिजिट का सम भी एट है। यहां थ्री होगा तो यहां फाइव होगा, थर्टी फाइव, इनके डिजिट का सम एट है। यहां फोर होगा तो अगला भी फोर होगा, फोर्टी फोर, यहां फाइव होगा, यहां थ्री होगा, यहां सिक्स होगा, यहां टू होगा, यहां सेवन होगा, यहां वन होगा। हमने क्या किया है, जो एक ये यूनिट डिजिट है, ये टेंथ डिजिट है, टेंथ डिजिट वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा, फाइव लिखा, सिक्स लिखा, सेवन लिखा, इधर एक एक बढ़ाते गए, इधर एक एक घटाते गए, हो गए सब नंबर। एक और नंबर याद आ रहा होगा, एटी, क्योंकि एट जीरो का भी सम एट आएगा। तो ये दो डिजिट के नंबर हैं जिनका जिनके डिजिट्स का सम एट आ रहा है, दिस इज द सी पार्ट। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, बुक सबके पास अवेलेबल होगी, ना अवेलेबल हो तो नेट से डाउनलोड कर लीजिए, बुक्स नेट पे भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। देखो मैं लिख रहा हूं जरा इसको, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद होगी, जो नंबर दो अलग अलग नंबर से करता है, केवल दो अलग अलग नंबर से, एक खुद से करता है और एक वन से करता है, अलग अलग से करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि वन इज अ प्राइम नंबर आर नॉट, तो आपकी डेफिनेशन उस प्राइम नंबर की कंडीशन को डिफाइन करनी चाहिए। जैसे एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू डिस्टिंक्ट नंबर, फर्स्ट इटसेल्फ, सेकेंड इज वन, मतलब दो अलग अलग नंबर से कटने चाहिए, एक खुद और एक वन। तो चूंकि जो वन होता है वो वन से होता है और वन से होता, दो अलग अलग नंबर नहीं है, इसलिए वन को प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा। तो पहला नाम ऐसे प्राइम नंबर उठाइए जो 60 को डिवाइड कर दे। तो देखिए एक तो टू होगा, रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं हम, रोस्टर फॉर्म आर एफ लिख दिया हमने। इसके बाद थ्री होगा, इसके बाद फाइव होगा, बस और कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 60 को डिवाइड कर दे। तो टू थ्री फाइव ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम भी हैं और इसके डिवाइजर भी हैं, यानी इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। ये आपका फोर्थ पार्ट है। जरा फिफ्थ पार्ट देखिए, नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि टेक्निकल मैथ तो टेक्निकल होती है और थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ लगती भी है, एक साइकोलॉजिकली होती है कि मैथ इज वेरी टफेस्ट सब्जेक्ट। लिखा x सच दैट x इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उन्हें लिख दो कॉमा लगा के, टी आर आई जी ओ एन ओ ट्रिग्नो एम ई टी आर वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो हमने सभी लेटर्स को कॉमा लगा करके लिख दिया, जितने लेटर्स इसमें होते हैं। अब हमने भी कहा कि सेट थ्योरी में रिपीटिशन की जरूरत नहीं होती है, आप रिपीट करें या ना करें, तो मैं ओ को रिपीट नहीं करूंगा, ओ दोबारा लिखा मैं नहीं लिखूंगा, तो टी लिखा, आर लिखा, आर यहां दोबारा लिखा, इसको भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो टी आर आई जी ओ एन एम ई टी वाई, टी एक बार लिख चुके हैं आप तो टी नहीं लिखेंगे, तो ये नंबर्स आपके होंगे इस प्रकार से लेटर्स, मतलब लेटर्स को रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हमें आंसर नहीं मिलाना है, हम पहले जी लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, ये आपकी मर्जी है। तो ये लेटर्स हो गए। फिर एक वर्ड दिया है इन्होंने जो है बेटर, तो बेटर में लिखना है मान लिया, तो लिख दो बी ई टी
आर, टी को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, उनके लेटर्स को लिखना है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर में सभी एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, नोट करिए इसको। इसके बाद अगला है फिफ्थ, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म लिखा है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए जरा, सेट बिल्डर फॉर्म में सोचने का अपना अपना तरीका है, जो जिस मेथड से सोच ले जाए। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं फोर्थ, इन्होंने कहा राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला सेट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। जरा इसको ध्यान से देखें आप, इसको कई तरीके से लोग लिख सकते हैं। कोई कह सकता है कि 12 से बराबर या छोटे 3 के मल्टीपल हैं, तो 3, 6, 9, 12 होगा। ये 3 के मल्टीपल हैं तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। भाई n को 1 रखो 3 आएगा, 2 रखो 6 आएगा, 3 रखो 9 आएगा, 4 रखो, तो n को आप क्या रखेंगे 1, 2, 3, 4। यानी n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहां तक, 3, 4 तक, माने x इज लेस, n इज लेस आर इक्वल टू 4, ऐसे लिखेंगे। मतलब x इज इक्वल टू 3n है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 into 1, 3 आएगा, n को 2 रखेंगे 3 into 2, 6 आएगा, n को 3 रखेंगे 3 into 3, 9 आएगा, 3 into 4, 12 आएगा। तो हम n की वैल्यू 4 या 4 से छोटी रखेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट इसका है। दूसरा पार्ट इसमें सेट जो दिया है वो दिया है 2, 4, 8, 6, 32, 2, 4, 8, 16, 32। अगर ध्यान से देखिए लिखा क्या है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। ये सोचना पड़ेगा आपको, यानी किस प्रॉपर्टी के हिसाब से नंबर लिखे जा रहे हैं। तो आप इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट, यानी इस वाले में सब एलिमेंट भरे हुए हैं, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, n को क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, मतलब 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 क्यूब 8 आएगा। तो आप कहेंगे n को हम नेचुरल नंबर रखेंगे, कहां तक, 5 तक। तो आप लिखेंगे n इज लेस आर इक्वल टू 5। आप लेस आर इक्वल टू 5 करें या हम लेस देन 6 करें, बात नहीं है। आप 5 या 5 से छोटे, यानी 5 को भी ले रहे हैं, और हमने 6 से छोटा तो 6 नहीं लेंगे, 5 तक लेंगे। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है 5, 25, 125, 625, सेट का नाम सी दे दो, 5, 25, 125, 625। ध्यान से इसको देखिए, 5 to power 1, 5 to power 2, 5 to power 3, 5 to power 4। तो आप कहेंगे एक्चुअली 5 के पावर पहले 1 लिखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे। इसको क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 to power n, जहां n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को और n की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 4 हो। ये तरीका समझ में आ रहा होगा, टेक्निकल नहीं है, ध्यान से सोचना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहां लिखे दे रहे हैं, अच्छा नोट कर लीजिए इसको। इसका फोर्थ पार्ट है 2, 4, 6, फोर्थ पार्ट, d इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। देख के लग रहा होगा इवन नेचुरल नंबर, तो आप लिख देंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। हमने मैथमेटिकली नहीं लिखा, इसको थ्योरेटिकली लिख दिया, यानी इस वाले में पूरे बोरे में भरे हुए नेचुरल नंबर इवन वाले, उसमें से एक बानगी के तौर पे निकाल के हमने दिखा दिया आपको। अगला है 1, 4, 9 up to 100, फिफ्थ पार्ट, इज इक्वल टू 1, 4, 9 up to 100। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 1 to power 2, 2 to power 2, 3 to power 2, 10 to power 2। यानी ये आपके 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 10, 10 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट, क्या लिखा जाएगा, n टू पावर 2, x इज इक्वल टू n टू पावर 2, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
और n इज लेस आर इक्वल टू 10। पहले n को 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, n को 2 रखेंगे 2 स्क्वायर 4 आएगा, n को 3 रखेंगे 3 स्क्वायर 9 आएगा, फिर 10 तक रखेंगे तो 100 तक वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, सो नोट कर लीजिए। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, बस छोटी छोटी एक्सरसाइज है, आर डी शर्मा में बहुत 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 डिटेल में लिखा हुआ है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा फिर आर डी वाडी लगाइएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहां पर भी वही चीज है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको इसको सभी एलिमेंट इसके लिखने हैं, चाहे हम बता दें सब एलिमेंट लिखो चाहे हम बता दें रोस्टर फॉर्म में लिखो। देखिए फिफ्थ का पहला पार्ट देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उन्होंने कहा भाई जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना इसके सभी एलिमेंट लिखिए, लिख दो कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 कहां तक लिखोगे, एट 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 एस पता नहीं कहां तक नंबर होगी, इंफिनिटी तक जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, बी एक सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, आई बना दो, और लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन माइनस हाफ लेस देन 9/2। पहले इसको समझने की कोशिश करिए, इसको समझने के लिए बेहतर ये होगा कि आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, बना लिया हमने, ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, देखो माइनस हाफ यहां कहीं आएगा आपका माइनस हाफ, और ये है आपका 4.5 यहां कहीं आएगा। अब माइनस हाफ से बड़े नंबर, माइनस हाफ से बड़े ये वाले नंबर है और 4.5 से छोटे नंबर यह वाले हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक के नंबर आपके जुड़े, देखिए माइनस हाफ से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं, तो कौन सा नंबर लिखेंगे आप, ये लिखेंगे आप 0, 1, 2, 3, 4। जब भी आपको नंबर दिक्कत करें, लेस ग्रेटर भी गड़बड़ कर रहा हो, आप फट से नंबर लाइन बनाइए, उधर ग्रेटर होता है और इधर लेस होता है, ठीक है। सी पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, आई लिख दिया हमने, और एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। देखो इसमें हम दिमाग भी लगा सकते हैं अपना, आप वो इंटीजर यहां पर पता लगाइए जिनका स्क्वायर करने पर नंबर 4 या उससे छोटा आए, 4 भी आ सकता है, देखो अगर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 4 से छोटा है, 0, 1, 2 यहां तक आप लिखेंगे, क्योंकि अगर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा जो कि आपका 4 से बड़ा हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एक सेट डी दिया है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज द वर्ड ऑफ लॉयल, लॉयल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, एल ओ वाई ए एल, तो लॉयल में जितने वर्ड हैं उन्हें लिख दीजिएगा, रिपीट नहीं करेंगे आप, एल लिखेंगे कॉमा ओ लिखेंगे कॉमा वाई लिखेंगे कॉमा ए लिखेंगे, लो या लो ऐसा, एल दोबारा नहीं लिखेंगे आप, तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है, मैं इस पर लिख नहीं रहा हूं, x such that x is a month of year not having 31 days, जिसमें 31 days नहीं होते, तो आप कुछ लोग ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं, हम एक गीत के माध्यम से कहते हैं कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 या 28 व 29 फरवरी बाकी सब 31, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 28 व 29 फरवरी बाकी सब 31, बस हो गया। आप इसको चाहो तो ऑर्डर से लिख दो, अब आप कहेंगे साहब आप सेट थ्योरी कहती है ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है तो मत लिखो ऑर्डर से, ठीक है। इसके बाद कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट प्रोसीड के पहले जो कॉन्सोनेंट आते हैं, तो के पहले कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं, ए बी सी डी पढ़ना शुरू कर दो, आप जानते हैं ये तो वॉवल्स होते हैं,
ए ई आई ओ यू, इसके इसको छोड़ करके के पहले जितने लेटर्स आते हैं, ए हो नहीं सकता है, बी सी डी ई होगा नहीं, फिर एफ जी एच आई होगा नहीं, जे के लिखेंगे नहीं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिखेंगे नहीं, तो के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनका सेट बनाना है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन इजी है, इसमें दो कॉलम्स हैं उन्हें मैच करना है, इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर मैच कराते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज नॉट एंड, थोड़ा दो मिनट बाद होगा, एक मिनट बाद होगा, दो मिनट भी नहीं लगेंगे। इसमें सिक्स क्वेश्चन में मैच करना है, पहला पार्ट लिखा हुआ है 1 2 3 6, जरा उस साइड देखिएगा, उस साइड कौन कौन से दिए हैं, उसमें एक लिखा नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स, डिवाइजर ऑफ सिक्स, सिक्स से जो डिवाइड हो जाए, जो सिक्स को डिवाइड कर दें, वन भी डिवाइड करेगा, टू भी डिवाइड करेगा, थ्री भी करेगा और सिक्स भी करेगा, तो ये किसको मैच करेगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ सिक्स, डिवीजर भी कहते हैं उन लोग, डिवाइजर बोलते हैं, तो उसमें डिवाइजर और डिवीजर पर ना जाइएगा, अंग्रेजी चेंज हो सकती है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, टू थ्री, ये भी डिवाइजर ऑफ सिक्स हैं लेकिन प्राइम डिवाइजर्स हैं, तो वही पार्ट होगा लेकिन प्राइम नंबर्स हैं, तो यहां भी वही पार्ट होगा कि x such that x is a prime number, बस वहां नेचुरल नंबर था, ये केवल प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स या डिवीजर ऑफ सिक्स। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लेटर हैं, अब आप कहेंगे तो आपने गलत लिखा, अरे भाई रिपीट नहीं करेंगे ना, दो बार टी है वो नहीं लिखेंगे, तो इसमें कौन सा पार्ट होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, हमने क्या कहा, इस वाले एक्स में सभी लेटर्स घुसे हुए हैं, बोरे में भरे हैं, और उसमें अ लेटर, आपने एक लेटर निकाल के उसमें दिखाया है, ठीक है। और अगला आपका जो है वो दिया है 1 3 5 7 9, क्या है ये ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो आप वही लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इस प्रकार से आप ये पहली एक्सरसाइज को नोट कर लेंगे, समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू।